यार तुमने टीवी फिल्म या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, या आपने किसी को कहा होगा या आपसे किसी ने कहा होगा और आपको इसका मतलब भी पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताइए और मैं बताऊंगा कि ये कहावत कैसे बनी, पहले कहानी से और फिर साइंटिफिक रीजन से। बस आप वीडियो पूरी देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। ये कहावत बहुत पुराने समय से प्रचलित है, आपने अपने दादा परदादा नानी दादी से इसके पीछे का तर्क सुना ही होगा। कहा जाता था कि एक जानवर था जो इंसानी शरीर को खाते हुए आंसू बहा रहा और तभी से मगरमच्छ को इसका रूपक मान लिया गया और इस कहावत का जन्म हो गया। आंसू मत बहाओ। अब इसके साइंटिफिक रीजन जान लेते हैं कि जब मगरमच्छ अपने शिकार को खाता है तो उसके साथ बहुत सारी हवा भी निकल लेता है जो उसके लैक्रिमल ग्लैंड मतलब आंसुओं को बनाने वाली ग्रंथि पर फोर्स करती है और मगरमच्छ के आंसू निकलने लग जाते हैं। इसमें रोचक तथ्य ये है कि मगरमच्छ आंसू निकलने के बावजूद भी रोता नहीं, ये तो सिर्फ लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से होता है और इसी टर्म को क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। हर लैंग्वेज में इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल टीयर और हिंदी में घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू। अब आप इसका मतलब तो जानते ही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और रोचक तथ्य अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। और आप चाहते हैं ऐसे रोचक तथ्य को सुनना और अपनी फैमिली में रोचक तथ्य को बताकर स्टार बनना, सब्सक्राइब बटन को धक्का मारो और घंटी को बजाना भूलें।